सपा इंडिया गठबंधन के नवनिर्वाचित सांसद हरेंद्र मलिक महावीर चौक स्थित समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर पहुंचे, जहां उन्होंने पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी का आभार व्यक्त किया, तो वहीं लोकसभा क्षेत्र की जनता का भी आभार जताया। इस दौरान समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को फूल माला पहनाकर सम्मानित भी किया गया। निर्वाचित सांसद हरेंद्र मलिक ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि वे सही सांसद हैं और कोई भी किसी भी दल का कार्यकर्ता हो, सबके लिए काम करूंगा। इसके साथ ही उन्होंने हरिद्वार मार्ग पर पड़ने वाले छापा टोल प्लाजा को हटवाने की बात भी कही है। चुनाव जीतने के बाद तो गवर्नर बढ़ जा। आपके सहयोग का फिर पुनः आभार। एक दफा समाजवादी पार्टी की मुजफ्फरनगर में आदरणीय आले हरेंद्र मलिक जी की ऐतिहासिक जीत है, और जिस तरीके से हम अहंकार को हराने में कामयाब हुए, जिस तरीके से पूरे हिंदुस्तान के अंदर मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट, पूर्ण चीज यह है कि हम मुजफ्फरनगर में लोकदल के बिना समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का मनोबल और काम करने के हम अग्रणी क्षेत्र में जाएंगे। इधर है और हिंदू का सबसे बड़ा, हिंदू धर्म में तो ये कहा जाता है जिंदा या मुर्दा हरिद्वार जाता जरूर है। अगर हरिद्वार वाली सड़क को टोल मुक्त कर दी जाए तो इस देश में पहले भी बिना टोल की सड़कें थी। मेरे याद है डॉक्टर अम्मा रिजवी मिनिस्टर थे PWD के, सीतापुर में एक सड़क पर टोल लगा था, सारा हाउस एक हो गया था कि अब हमें जजिया कर देना पड़ेगा। भाई आपका जितना वोट है यार, हमारी समझ में नहीं आ रहा। आप विदेश बैंक से कर्जा ले रहे, आप दूसरी देशों से कर्जा ले रहे, ठेकेदार से सड़क बनवा रहे, फिर टोल ठोक रहे। आपने कार खरीदी, स्कूटर खरीदा, जब आपने लिया तो आपने एक्साइज दी, उसमें तेल गिरवा तो एक्साइज दी, आप पास कराने के रोड टैक्स दिया, तेल में सेस दिया, रोड पर चढ़े फिर टैक्स। भाई ऐसा ना करो, एक जगह ले लो, दो जगह ले लो, इस पर विचार करना चाहिए। फिर आप कितने दिन तक लेंगे? सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जस्टिस गुड़गांव जाते थे, उन्होंने गुड़गांव और दिल्ली के टोल को देखा, सर्वे कराया, तो पता लगा कई सौ गुना कलेक्शन कर चुके और खत्म हो गया। भाई यहाँ भी तो कोई सीमा तय कर दो यार। पहले जब टोल शुरू हुआ था तो ये था कि भाई जब ये पूरा हो जाएगा पैसा, इसे खत्म कर देंगे। अब ये परमानेंट बिजनेस बन गया। पर गरीब की क्या है, गरीब की दिक्कत टोल भी ले रहे, पेट भी रहे, हमने भी चल लिया टोल। भाई साहब मैं ये कह रहा, गरीब की क्या गलती है, गरीब आदमी उधार सुधार कार ली और कादी घेड़े था, मुझे पढ़ना करा होगा तो कितने दे भाई, यहाँ पिछासी कितने 90 रुपए का दिखने पर 90 रुपए देने पड़ेंगे, 8 किलोमीटर आने के 90 रुपए। कौन ये मीटिंग समाजवादी पार्टी? अच्छा मेरा अगला सवाल ये, चुनाव से पहले एक दिन पहले से एक बात की आपने, बड़ी तीखी बात करते हो आपने, ये कहा था कि चुनाव जीत जाए तो संपत्ति की भी जांच होगी और भी कई बातें आपने कही, तो वो कब शुरू होगा? ऐसा है, देखिए मेरी बात सुनो, अब कुछ बातें होती है तो व्यक्ति, हम लोग राजनीतिक लोग, हमारे हाथ में अपना व्यक्तिगत जीवन तो है, राजनीति के जीवन हमारी पार्टी की नीति, पार्टी के साथी और राष्ट्रीय अध्यक्ष ही हमारे तय करते हैं। जहां तक संपत्ति की जांचों की बात है, अवैध संपत्ति जिसकी आप चाहो, मुजफ्फरनगर के नागरिक, जागरूक नागरिक होने के नाते आप मुझे दो, मैं उसकी जांच कराऊंगा, मैं खुद, अब अगर किसी की भी दे दो उसी करवा देंगे। आपके पास भी जानकारी है किसी के पास जो है संपत्ति है या वैसे? यार एक बात बताओ, आप घास मंडी में सोने का भाव पूछ रहे हैं, मैं गांव का आदमी, मेरे बोला मुझे दिन भर भाव पता गया, मुझे पता गया इन बातों का, आप बता दो जिसकी जिसे जिसकी
अच्छा बात सुनो, जिसकी आप कहोगे उसकी जांच करवा देंगे। अच्छा, एक चुनाव के दौरान कुछ हाँ, 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 मेरी बात सुनो, वो आज भी ये कह रहे हैं कि भले ही एमपी साहब जीत गए लेकिन हम हरेंद्र मलिक से डरने वाले नहीं है। अपने धन्यवाद अदा करने के लिए क्या कहेंगे? मुजफ्फरनगर के सम्मानित मतदाताओं को जिन्होंने शांतिपूर्वक चुनाव में भाग लिया, चाहे किसी दल को वोट दिया हो, उन सबका हृदय की गहराई से आभार, उन्हें नमन। और जिनका आशीर्वाद मिला है उन्हें आश्वस्त करना चाहूँगा कि मैं उनके विश्वास पर खरा उतरने का प्रयास करूँ, और जो हमारे से दूसरे दलों को जिन्होंने वोट दिया उन्हें भी आश्वस्त करना चाहूँगा कि हम व्यक्तिगत रंजिश कोई नुकसान किसी को पहुंचाने वाले नहीं है। अगर हमारे लिए कभी कोई काम होगा तो उसमें भी उनके साथ खड़े हैं। एमपी साहब, एक सिंडिकेट के बारे में बात बताइए आपने, उद्योगपतियों में क्या है उन्होंने? मुझे जानकारी नहीं है, मैं तो ये जनरल बात कही, तोड़ मरोड़ के पेश करते हैं। मैंने ये कहा था कि देखिए यहाँ उद्योग है, मुजफ्फरनगर में उद्योग है, उद्योगों को जिंदा रखने के लिए समानता का आधार बढ़ाना पड़ेगा, या तो GST सब दें या तो GST कोई ना दे। ये नहीं है कि एक उद्योग तो GST दे नहीं रहा, एक दे रहा, 18% का कम्पीट कैसे कर पाएगा वो उद्योग बंद हो जाएगा। हमारा कहने का आशय यही है, केवल मैं किसी के व्यक्तिगत खिलाफ नहीं हूँ, मेरा तो यही अनुरोध है कि जिला प्रशासन सख्ती से इसे देखे कि जो थोड़ी बहुत छूट देनी सबको दे दे। और जब ही तो पीड़ा हो रही भाई। अच्छा, ये जो हरिद्वार वाले रोड से आपने टोल हटवाने की बात कही, क्या है भाई? मुझे ये अपेक्षा है कि देखिए जब वो धर्मवादी सरकार है, मेरा यह है धार्मिक मामला है। हाँ, एक आदमी अपने माता पिता के फूल लेकर के गए और उसे जजिया कर देना पड़ा, ये जजिया करी तो है, तो ये अच्छा लगेगा क्या? अच्छा, अस्थि कलश हाथ में है और टोल की बात है तो कोई बात है? आप अस्थि कलश पर भी टोल लेंगे? चलिए, अगर आम नागरिक को आपने जो गंगा स्नान के लिए जाते हैं या जो अस्थि कलश लेके जाते हैं उन्हें ही छूट कर दीजिए। एमपी साहब, एक गांव में आपके भी टोल है जगह, तो शुरुआत क्या आप वहां से करेंगे? नहीं, मैं मारपीट झगड़ा होता है, ऐसा है, मैं कानून अपने हाथ में लेता नहीं भाई। अच्छा, मुझे मेरा तो बड़ा साफ मानना, हम तो जो नियम है उनका पालन कराने का प्रयास करेंगे, और जो मांग करेंगे हम ये जानते हैं फिजिकली कुछ करने से कुछ नहीं होता, जो होगा ऊपर सरकार से कह करके होगा, जो भी मंत्री बनेगा उससे कहेंगे अनुरोध करेंगे। मुजफ्फरनगर में पिछली सरकार में माफिया काफी जोर है, इस तरह से छुपकर अभी मैं शपथ ले जाऊँ, फिर आप लोगों को बुला के सलाह लूँगा, फिर MD वाले को बुलाऊंगा और फिर बात करेंगे।